बेमेतरा जिले के ग्राम सलधा के सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने शिवगंगा आश्रम में विराजमान शंकराचार्य स्वामी सरस्वती जी महाराज के दिव्य दर्शन किए और पदुका पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है और विश्व का एक ऐसा मंदिर जहां 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिले में बनने जा रहा है। 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है एवं बेल पत्ते की जरूरत पड़ने पर इस आश्रम के चारों तरफ बेल का पेड़ लगाया जाएगा। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गए बिरनपुर मामले में उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद है, जहां 2 बच्चों की लड़ाई में 1 युवक की मौत होती है, उसके बाद आगजनी के बाद 2 और लोगों की मौत एवं सभी आरोपी को हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक गिरफ्तार किया गया है और जो भी आरोपी होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ग्राम सलधा में जगतगुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी का प्रवचन चल रहा है, मैं भी दर्शन करने दर्शन लाभ लेने यहाँ आया था और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है और 1.25 लाख जब शिवलिंग की स्थापना होगी तो फिर बिल पत्र की भी आवश्यकता होगी, बेल पत्तों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ बढ़िया से बेल का जंगल लगाना है ताकि रोज जब बेल पत्र चढ़ाएं तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इस निर्माण कार्य में हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। बीरनपुर की घटना के बारे में ये है कि जो 2 बच्चों के झगड़े में एक नौजवान की हत्या हो जाती है, बेहद दुर्भाग्यजनक है, और उसके बाद घर जलाया जाता है, 2 और लोगों की हत्या हो जाती है, तो जो इसमें जो भी आरोपी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, जो भी मास्टरमाइंड है, सबको खोज निकाला जाएगा और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।